सोच रहा हूँ मैं भी थोड़ी शादी में हेल्प कर दूँ, क्योंकि सुना है शादी में हेल्प करने से आहा, 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 आता हूँ। वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। काफ़ी दिन का गैप हो चुका है वैसे, बिकॉज मैं वेट कर रहा था एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन का, और वो है यहाँ की शादी। जिसकी शादी होती है उनके ही घर वाले थोड़े ऊपर नीचे भाग दौड़ करते हैं, बाकी तो सब रिसेप्शन और शादी में खाना लूटने आते हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में जो है असली मतलब पता चलता है हमें यूनिटी का। धीरे धीरे मैं आप सबको पूरा बता दूंगा कि यहाँ के शादी कैसी होती है। तो अभी हम जा रहे हैं चूल्हे के लिए लकड़ी लेने। वैसे भाई ये वाली जो खेत है नीचे पर है, ये कौन सी है? ये मक्के की खेत है। मक्की, पहाड़ी भाषा में मक्की को क्या कहते हैं? कुखड़ी। कुखड़ी। ये राजमा है? चम्मा इला पहली बार देख रहा हूँ मैं। सुबह सुबह 6:30 बजे विश्वासघात हुआ मेरे साथ। मुझसे कहा गया था कि यहीं परे तक जाना है हमें लकड़ी लेने, लेकिन पिछले आधे पौने घंटे से चल रहे और ये कहीं बीच जंगल में अभी लेकर आ चुके हैं मेरे भाई मुझे। जिस हिसाब से ये मुझे इतना दूर लेकर जा रहे हैं और ये बादलों के बीच। अंकु भाई, स्वर्ग में लेके जा रहे हो क्या लकड़ी काटने? इस बार मुझे इस गाने का मतलब समझ में आ रहा है, बादल पे पाँव है अब छूटा गांव है। और फाइनली पहुंच चुके हैं हम, और आप हो रसोइया। रसोइया होता क्या है वैसे? रसोइया घर से एक होता है, जैसे गांव में पूरा गांव है। हाँ, तो हर घर से एक होगा भाई। ये चूल्हे के हिसाब से कुछ ज़्यादा मोटी नहीं होगी लकड़ी? हाँ मोटी है, अभी घर में जाके इसको कुल्हाड़ी से फाड़ देंगे बीचों बीच। नहीं सच बता दो ना, कुल्हाड़ी लाना भूल गए थे? हाँ कुल्हाड़ी लाना भी भूल गए जल्दी। ये पूरे कड़ी पत्ता। और फैक्ट की बात ये कि यहाँ लोगों को पता नहीं है कि कड़ी पत्ता जो है वो ये खाने में भी डलता है। और जितना मैंने सिरमौर घूमा है यहाँ पर वड़ा और पाव दोनों एग्जिस्ट नहीं करता, यानी यहाँ लोगों को पता ही नहीं कि वड़ा क्या है, पाव तो एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पर। तो जैसे ही मैं मुंबई से यहाँ आता हूँ तो यहाँ आने के एक दिन पहले मैं वड़ा पाव डेफिनेटली खा के आता हूँ। पहाड़ों में आओ तो डेफिनेटली कुछ पहाड़ी पेड़ या पहाड़ी पौधे के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, इससे थोड़ा बच के रहना पड़ता है। ये है बब्बर, इसके हर पत्ते पे, इसके हर डालियों पे कांटे होते हैं। अगर आप इसको टच भी करते हो या गलती से आपको टच हो जाता है, तो जिस एरिया में टच हो रहा है तो आधा एक घंटा आपको इतना पेन होगा ना वहाँ पर कि पूछो मत। मुझे लगता है मेरे यूट्यूब का टाइटल चल हिमाचल से मैन वर्सेस वाइल्ड रख देना चाहिए, क्योंकि तब से मुझे जंगल में घुमाया जा रहा है। बियर ग्रिल्स बना रखा है यार बस, और जितना नीचे है उतना ऊपर भी चढ़ना है अभी। और ये मस्त अपना ब्रेकफास्ट करते हुए और हम खाली पेट। ये है क्या है? तिमर। और चलते चलते हमें मिल गए ये तिमर की लकड़ियाँ, जो कि दातून के लिए भी इस्तेमाल होती है। और ये पानी के पास मिंट यानी कि पुदीना, दातून के बाद ये जो पुदीना की पत्ती है इसे हम जीभ में रखेंगे और इससे जो ठंडक मिलेगी ना अनदर लेवल। तो ये जो आपने अभी देखा, जो गांव की महिलाएं गाना गा रही थी, इसका मतलब होता है कि जिनके घर शादी है उनके घर गांव की जितनी भी महिलाएं हैं सभी जन जाते हैं, एंड देन उनके घर पे डांस जो होता है महिला संगीत वो होता है वहां पर। सोच रहा हूँ मैं भी थोड़ी शादी में हेल्प कर दूँ, क्योंकि सुना है शादी में हेल्प करने से आता हूँ। यह है दूसरा दिन, सुबह के बज रहे 5:30 और हम जा रहे हैं बाराती। जोरदार बारिश के कारण यहाँ इसके आगे जो रोड था वो ब्लॉक हो चुका है, जो गाड़ी है वो अब तक आई नहीं है लेने। सारे बाराती जो है यहाँ रुके थे, अब जो है दूल्हा निकल चुका है फतेह करने दुल्हन के घर। अब हम हमारे गांव फिर से आ चुके हैं। अब जो मेरे पीछे आप गेट देख रहे हो, यहाँ पर लड़की का जो भाई है वो रिबन काटेगा।
यह लास्ट डे और यहाँ पर होगी आखिरी रस्म, यानी कि दूल्हा और दुल्हन जो है गांव की बावड़ी यानी कि पानी के पास जाएंगे और यहाँ पे आखिरी रस्म निभाएंगे। तो आप पीछे जो क्राउड देख रहे हो ये वहीं पर जा रहा है। दूल्हे की बहन है ये, यहाँ से लेकर पानी तक यानी जो गांव का बावड़ी है वहाँ तक हल्दी से मार्किंग करेगी। बारिश के कारण पूरा प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है। गांव की शादी में ही हमें देखने मिलते हैं कि किस तरह सभी लोग एक साथ इकट्ठे होके इनके खुशी में शामिल होते हैं, जो हमें शायद ही शहरों में देखने मिले। और काफ़ी दूर दूर से मेरे कजिन्स भी, जिनको मैं काफ़ी सालों से नहीं मिला हूँ, वो शादी के फंक्शन में आए और मिलना हुआ, तो ये अच्छा है। और अगर यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी छोटी छोटी चीज़ों में तुम्हारा भाई कंटेंट निकाल कर देगा, बाकी सुमित संभाल लेगा।